बच्चों, आज हम यहाँ पर परिमेय संख्याओं के विषय में आपको जानकारी देंगे। जी आप परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं नहीं जानते हैं? चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं। गिनती आती है आपको? जी हाँ, जरा 10 तक गिनती बताओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, इससे आगे भी गिनती होती जी है ना? जी तो जो तुमने अभी यहाँ पर 1 से लेके 10 तक गिनती गिनी, ठीक है ना, तो ये भी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या भी कहलाती है। प्राकृत संख्या तो है ही है, लेकिन इनको परिमेय संख्या भी कहा जाता जी है, है ठीक है? जी जी अच्छा, तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना? जी जैसे हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा यहां पर? 2/5 2/5 लिखा ना। जी तो यहां पर ये जो संख्या हमने लिखी है, ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या समझ में आया? जी ठीक है, चलो। अभी आपने क्या कहा था, 1 से लेके 10 तक गिनती जी कही थी ना? जी ठीक, तो जैसे तुमने बोला यहां पर, क्या बोला? पांच पांच बोला ना? जी ठीक, तो इसके नीचे हमने यहां पर एक संख्या लिख दी, एक। जी ठीक, जी तो ये किस रूप में आ गई? 5/1। एक ठीक, तो इस प्रकार से ये जो बटे में लिखी संख्या 2/5 और दो पांच या बटे पांच एक बटे एक ये क्या संख्याएं हैं? परिमेय परिमेय संख्या संख्याएं हैं, ठीक है? जी अच्छा, अब तुम हमको कोई उदाहरण दो परिमेय संख्या का। जैसे तुमको समझ में आ गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जी किस रूप में लिख सकते हैं इसको? आप भिन्न गिनती के के रूप में, बटे के रूप में लिख सकते हो, है जी ना? तो तुम कोई उदाहरण बताओ हमको, कुछ भी भिन्न में या बटे में कोई संख्या बताओ। तुम तीन बताओ, बटे चार 3/4। आपने बोला 3/4, ठीक है ना? तो ये भी क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या संख्या कहलाएगी, ठीक है? तो जी इस प्रकार से हम इसको परिमेय संख्या 3/4 बोल सकते हैं, ये एक जी परिमेय संख्या है, जी ठीक है? जी अच्छा, ये देखो, यहां पर ये जो 3 लिखा हमने, ये जी क्या है? अंश। अंश ये क्या कहलाएगा? अंश और ये कहलाएगा हर। हर क्या कहलाएगा? हर अंश और हर के रूप में अगर हम संख्या को लिखते हैं जी तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या परिमेय परिमेय संख्या संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? जी अच्छा चलो, अब ये बताओ मुझको कि 5/0, यहां पर ये संख्या लिखी है 5/0, शून्य तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी नहीं जी नहीं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने यहां पर बटे में क्या लिखा है? शून्य शून्य लिखा है। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि हर में संख्या शून्य ना आए, जी हर में संख्या शून्य शून्य ना ना हो, आए ठीक है ना? जी उसके अलावा कोई भी संख्या होती है तो आप उसे क्या कह सकते हो? परिमेय संख्या कह सकते हो। जी बात समझ आई? जी ठीक है ना? जी चलो, अब एक उदाहरण और बताओ आप मुझको कि परिमेय संख्या, कोई उदाहरण आप और दे दो मुझको। क्या उदाहरण हो दोगे बताओ, जल्दी से बोलो। 5/3 5/3, तीन ठीक है ना? जी तो ये 5/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है, जी ठीक। अच्छा, अगर हम यहां पर देखते हैं संख्या 5 का गुणनखंड, जी संख्या 5 का जी गुणनखंड यदि हम करते हैं जी तो हम इसको लिख सकते हैं 5×1, और 3 का गुणनखंड करते हैं तो लिखते हैं 3×1, एक ठीक। जी तो इन दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक। एक तो जब संख्याओं में, अंश में और हर में जी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो और जी उसके अलावा कोई भी गुणनखंड उनमें उभयनिष्ठ ना हो, एक जैसा ना हो, जी तो इस प्रकार से जो संख्या मिलती है हमको उसे क्या बोलते हैं आप? परिमेय संख्या परिमेय कहते संख्या हो, कहते हैं जी ठीक है? जी चलो, एक उदाहरण और आपको हम देते हैं परिमेय संख्या का। आप भी बताइएगा कि ये परिमेय है या नहीं है, ठीक जी है? जी तो यहां पर जैसे मैंने लिखा 10/20, नहीं ठीक, है परिमेय संख्या नहीं है,
आप बताओ। जी नहीं है। परिमेय संख्या अभी नहीं है, लेकिन इसको हम सरल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। बन जाएगी ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको बराबर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम 10 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 5, और अगर हम 20 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 10। इस प्रकार से तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों के उभयनिष्ठ गुणनखंड में आ रही है। तो उसको सरल करके हमने कितना पाया? 1/2। तो ये जो संख्या मिली हमको, इस संख्या का परिमेय रूप है। क्या रूप है? परिमेय रूप है। समझाया? यानी कि जब आपको लगे कि संख्या को काट के सरल किया जा सकता है तो हम उसे क्या कर देंगे? सरल कर देंगे। उसके पश्चात हमें जो भिन्न में संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों तुमने देखा कि जितनी भी गिनतियां हमारे पास है जो आप जानते हो, ठीक है ना, अभी आप छोटे स्तर पर हो इसलिए आप प्राकृत संख्याओं से ही गिनती जानते हो, तो 1 से लेकर के जितनी गिनती आप जानते हो सब क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या तो होंगी ही होंगी, साथ में परिमेय संख्या भी होगी। समझ में आया? तो बच्चों तुमको समझ में आया परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है। तो बच्चों आप सबने देखा कि आज परिमेय संख्या क्या होती है, इस विषय में हम आगे आपको और बताएंगे।